फ्रेंड्स, आज मैं काढ़ा बनाने जा रही हूँ। बहुत फायदेमंद काढ़ा है कोरोना के लिए, जिसको सर्दी है, खांसी है, और जिसको पानी नहाने के बाद सर दर्द आता है, जो लोग एसी में रह के बहुत प्रॉब्लम होता है सरों में, ये बहुत फायदेमंद काढ़ा है। प्लीज आप सिर्फ 2 दिन पी के देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि वो ये नुस्खा मैंने खुद आजमाया हुआ है, क्योंकि मेरे को भी सर दर्द का प्रॉब्लम है। अब अल्लाह का करम है, देख लीजिए क्या क्या डालना है काढ़े में। अदरक, लौंग, चकला, अदरक, काली मिर्च, और ये हल्दी आमी हल्दी है। बाजार की हल्दी इस्तेमाल मत कीजिए, फायदा नहीं देगा। आमी हल्दी ही इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने ये पिसाई हुई हल्दी है, आमी हल्दी है, बाजार की मत लीजिए, क्योंकि उसमें सिर्फ केमिकल और कलर रहता है। जो पिसाई हल्दी है बहुत फायदेमंद है। देखिए, अब हम शुरू करेंगे अदरक से। एक एक जन के लिए इतना अदरक काफी रहता है। इसको हम अच्छी तरह से कुचल लेंगे, अच्छी तरह से, बस इतना। अभी अदरक हम एक बाउल में डाल लेंगे। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चकला, और एक जन के लिए हम लोग इसमें डालेंगे 4 या 5 लौंग, 4 या 5 लौंग डालेंगे। और आमी हल्दी हम डालेंगे 5-6 चुटकी, बस ज्यादा नहीं है। आमी हल्दी इतनी डालेंगे, और हम डालेंगे काली मिर्च, काली मिर्च हम डालेंगे 1/2 टीस्पून, आधा, एक छोटा मग यानी एक ग्लास पानी, एक ग्लास है पानी है, हम इसमें डालेंगे। अब हम इसको पकाने के लिए रख देंगे, अब हम इसको अच्छी तरह से 10 मिनट पकाएंगे अच्छी तरह से, फिर हम इसको लेंगे। बस 5 चीजें हैं, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 ही चीजें हैं आप डालिए, यानी कि अदरक, हल्दी, काली मिर्च, लौंग और चकला, बस इतनी चीजें डालेंगे। और इसको हम पी के भी दिखाएंगे आपको, बहुत फायदेमंद है। जिसको फाइब्रॉइड्स है उनको भी बहुत फायदेमंद है, जिसको फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम है, जिसको बहुत सारे फाइब्रॉइड्स रहते हैं का प्रॉब्लम है, तो उनको भी बहुत फायदेमंद है। जिसको तकलीफ है जिस्म में, हाथ पैर दर्द, इसमें अदरक में कैल्शियम है, आयरन है, आयोडीन है, बहुत सारे इसमें विटामिन्स है। प्लीज आप लेके देखिए, सिर्फ 2 दिन लेके देखिए, सिर्फ इंशाल्लाह बहुत सेहत रहेगी। कोरोना की वजह से जिस जिसको बहुत तकलीफ है, मैं दुआ करूंगी अल्लाह को सब लोग अच्छे रहे, सेहतमंद रहे, मास्क के साथ ही बाहर जाएं, बिना मास्क के बाहर मत जाइए। और ये काढ़ा एक बार दिन में, पूरे दिन में एक बार लीजिए, खाने के बाद, खाली पेट नहीं, नाश्ता या दोपहर या रात में जरूर लीजिए। जिसको बहुत तकलीफ है वो रात में लीजिए, और उसके काढ़ा लेने के बाद 1 आवर तक कुछ मत लीजिए, बहुत फायदेमंद है इंशाल्लाह। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आपको भी फायदा रहेगा इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। हमारा काढ़ा अच्छी तरह से पक रहा है, एटलीस्ट 10 मिनट अच्छी तरह से पकना चाहिए। हमारा काढ़ा बन के अभी तैयार हो चुका है, आपको मैं बताऊंगी। देखिए, अब हमारा काढ़ा तैयार हुआ है पीने के लिए। काढ़े को ठंडा पीने से कुछ फायदा नहीं है, काढ़े को गरम गरम पीजिए, फूक फूक के पीजिए, जैसे चाय पीते, तो इंशाल्लाह इसका फायदा बहुत मिलेगा आपको। देखिए मैं पी के बता, ऐसा लगता है गला खुल जा रहा है, पीजिए जरूर।
सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। इंशाल्लाह मैं और अच्छे अच्छे आपको कुकिंग्स लाती रहूँगी और आपके सामने आती रहूँगी। शुक्रिया।